हेलो जी, तो क्या हाल है आप सबके? आज हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि हम अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पे कैसे हम स्क्रिप्ट ऐड कर सकते हैं, कस्टम जावास्क्रिप्ट ऐड कर सकते हैं। चाहे वो हम स्क्रिप्ट अपने हेड टैग में डालना चाहते हैं, या हम अपनी बॉडी के टैग के अंदर डालना चाहते हैं, या हम अपने फुटर में डालना चाहते हैं। मोस्टली हम स्क्रिप्ट अपने फुटर में डालते हैं, बॉडी के नीचे डालते हैं, ताकि जो है पेज की परफॉर्मेंस स्पीड जो है वो अच्छी रहे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपने प्लगइन में जाके ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करना है, और इस पेज पे आपने आ जाना है। यहाँ से आपने जो है प्लगइन के सर्च बॉक्स में आपने लिखना है हेडर एंड फुटर। ये लिख के आपके पास एक प्लगइन आएगा, ये वो प्लगइन है। पहला प्लगइन इंसर्ट हेडर्स एंड फुटर्स बाय वीपी बिगिनर्स। तो ये आपने इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेना है। मेरी यहाँ पे अपडेट आई भी है, मैं इसको अपडेट कर लूँगा। और अपडेट करने के बाद आप देखेंगे, अगर आप अपने सेटिंग्स में जाएं तो यहाँ पे आपको इधर ये ऑप्शन मिलती है इंसर्ट हेडर एंड फुटर की, सेटिंग की टैब के अंदर। तो आपने यहाँ से इसको क्लिक कर लेना है। अब इधर आप देखेंगे इस पेज पे आपको तीन बॉक्स मिलते हैं, स्क्रिप्ट इन हेडर, स्क्रिप्ट इन बॉडी और एंड इसके नीचे आपको मिलता है स्क्रिप्ट इन फुटर। तो आप जहाँ पे अपनी स्क्रिप्ट डालना चाहते हैं आप वहाँ पे डाल सकते हैं अपनी स्क्रिप्ट। तो मोस्टली हम फुटर में डालते हैं, तो मैं भी फुटर में ही ऐड करूँगा अपनी स्क्रिप्ट। तो यहाँ पर मैं एक स्क्रिप्ट लिखने लगूँ, एक अलर्ट की सिंपल सी एक स्क्रिप्ट लिखूँगा मैं। अच्छा, और यहाँ पे स्क्रिप्ट के टैग डालने के बाद मैं अपनी स्क्रिप्ट लिखूँगा। अच्छा, और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, हम मोस्टली डॉलर साइन यूज़ करते हैं जब हम डॉक्यूमेंट रेडी फंक्शन लिखते हैं। तो यहाँ पे वर्डप्रेस में वो डॉलर साइन जो है वो नॉट इनिशियलाइज्ड होता है। तो आपने उसकी जगह आपने जे क्यूरी लिखनी है, जे क्यूरी, और आगे से जो भी डॉलर की जगह आपने जे क्यूरी लिखनी है, और आगे फिर जो भी आपका फंक्शन है उसका नाम। तो ये लिखने के बाद मैं एक अलर्ट का एक लाइन लिखूँगा, पेज इज़ लोडेड एंड जावा स्क्रिप्ट प्रोसेस्ड। और ये लिखने के बाद इसको सेव कर लेना है आपने, और फिर हम अपने पेज को लोड करके देखते हैं कि क्या हमारी स्क्रिप्ट चल रही है या नहीं चल रही। ये हमने सेव किया, और लेट्स सी, अब मैं अपने पेज को रीलोड करूँगा। और स्क्रिप्ट सही काम कर रही है। और वीडियो को देखने का शुक्रिया। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हमें ज़रूर बताएं कि हम आगे कौन सी वीडियो बनाएं। थैंक यू।